अगर आपको भी सांभर बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तब आप एक बार इस तरीके से ये इंस्टेंट सांभर ज़रूर बना कर देखें। इसमें ना तो हमें इमली भिगोने का घंटों का झंझट और ना ही कोई परेशानी, बहुत ही आसानी से बनाएंगे आज हम ये बिना इमली का सांभर। आप एक बार इस तरीके से सांभर बना लेंगे ना, तो यकीन माने बार बार आप सांभर इसी तरीके से बनाएंगे। सांभर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप जितनी ये तुअर दाल ली है, इसे अरहर दाल भी बोलते हैं। मैंने इस दाल को 10 मिनट पहले पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। पानी में भिगोना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी बना सकती हैं। अभी हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और इसमें डालेंगे 2 चम्मच जितना ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितनी राई। राई को ऑयल में अच्छे से चटकने देंगे। इसमें डालेंगे 8 से 10 करी लीव्स, 2 डालेंगे साबुत लाल मिर्च, 1 पिंच जितनी हींग जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कुटा हुआ अदरक, 1/2 चम्मच जितनी सौंफ। सौंफ से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। सभी मसालों को एकदम धीमी धीमी आंच पर अच्छा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को भी मसाले के साथ मिक्स करेंगे और प्याज को हल्का कलर चेंज होने तक भुनने देंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर, तो मैंने यहाँ पर टमाटर को भी हल्का बारीक कट कर लिया है। इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच जितना ही सांभर मसाला। सभी चीज़ों को डालकर इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले जो हैं वो जले ना और ये टमाटर के साथ जल्दी पककर तैयार हो जाएं, इसके लिए हम इसमें डालेंगे लगभग 1/4 कप जितना पानी। पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को अच्छा सॉफ्ट होने तक इसमें पकने देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अभी इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे अपनी तुअर दाल। दाल को पहले 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से धो लें। मैं यहाँ पर सिर्फ दाल के साथ इस सांभर को बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसे आज एकदम सिंपल तरीके से दिखाने वाली हूँ, जिससे आप मात्र 5 से 7 मिनट में ईजिली सांभर बना पाएँ। जब आपके घर पर कोई भी चीज़ ना हो तो ईजिली घर पर पड़ी हुई चीज़ों से। तो बस दाल को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अभी हम इसमें डालेंगे लगभग 2 कप जितना पानी। पानी डालकर प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और इस दाल को अच्छा सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। नॉर्मली हम दाल पकाते समय सिर्फ 2 सीटियाँ लगाते हैं, बट क्योंकि आज हम सांभर बना रहे हैं तो इसके लिए हम इसमें 4 से 5 सीटियाँ लगाएंगे। 4 से 5 सीटी आने के बाद अभी हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर को रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने देंगे। याद रखें, आप प्रेशर को निकालें नहीं, इसे खुद से ही ठंडा होने दें। अभी हम प्रेशर कुकर को खोलकर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं दाल अच्छे से पक चुकी है, तो इसे किसी भी विस्कर या फिर मथनी की सहायता से अच्छे से मैश कर लेंगे, जिससे दाल जो है वो अलग अलग ना दिखे। अभी हम इसमें डालेंगे लगभग 1 लीटर जितना पानी। पानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आपको सांभर थोड़ा थिक पसंद है तो आप पानी थोड़ा कम डालें। अगर सांभर पकने के बाद आपको बाद में लगे कि सांभर ज़्यादा थिक हो गया है, तो आप बाद में भी इसमें थोड़ा पानी डालकर 1 से 2 मिनट के लिए पका लें। इससे भी सांभर एकदम परफेक्ट रहेगा। अभी मैंने आपको बताया कि हम इसे बिना इमली के बना रहे हैं, तो इमली की जगह हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 चम्मच जितना ही नींबू का सत्र, यानी कि साटरी। ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगी। नॉर्मली सभी पानी पूरी वाले पानी बनाने में इसी साटरी का यूज़ करते हैं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा गुड़। गुड़ से सांभर मीठा बिल्कुल नहीं होता है, बस इसमें ये सभी मसालों के टेस्ट को अच्छे से बैलेंस करता है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सांभर को पकने के बाद आप इसे थोड़ा सा टेस्ट कर ले,
अगर आपको इसमें खट्टा कम लगे तो आप बाद में भी थोड़ी सी साठरी इसमें ऐड कर सकती हैं। तो बस अभी हम गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और इस सांभर को अच्छे से पकने देंगे। मैं इस सांभर को 2 से 3 मिनट के लिए खोल कर पका रही हूँ। आप चाहें तो प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगाकर इसमें वापस से 2 से 3 विसल लगा दें, जिससे आपकी गैस भी कम खर्च होगी और सांभर थोड़ा जल्दी पक कर तैयार हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो इसे खोल कर पकाएं, अदरवाइज़ आप प्रेशर कुकर में सीटी लगाकर भी इसीलिए इसे पका सकती हैं। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट पकने के बाद सांभर में कितना अच्छा कलर आया है। तो ये हमारा परफेक्ट बिना इमली का इंस्टेंट सांभर बनकर तैयार हुआ है। यकीन माने अगर आप एक बार इस तरीके से ये सांभर बना लेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है आपको और आप बाकी सारे तरीके भूल जाएंगे। इसी तरीके से आप हर बार ये सांभर बनाएंगे। तो अभी हम इस सांभर को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे इडली के साथ, डोसा के साथ, अदरवाइज़ सर्दियों में ऐसे भी इंजॉय कर सकती हैं। सांभर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और साथ ही काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो आप भी सिंपल सी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो एक बार फिर से मिलेंगे हम इसी तरीके की एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।